अस्सलाम वालेकुम डीवर्स, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्कलिफ्टर बेसिकली फोर्कलिफ्ट क्या, किस चीज का, किस बाजार का नाम है। तो मैं एक बड़ा प्यारा सा फोर्कलिफ्ट ड्रॉ करूंगा। ऐसा नहीं किसी ने, इसके दो टायर आ गए, ये पीछे इसका डेड लोड आ गया, ये चैम्बर आ गया, ये सीट आ गई, ये स्टेयरिंग आ गया, ये मस्ट आ गया इसका, और ये दो फोर्क आ गए। कुछ इस तरह का ही होता है फोर्कलिफ्टर ना। तो यहाँ पे इसका एक बीकॉन आ जाता है, बीकॉन से मुराद के एक ऊपर एक्स्ट्रा लाइट लगी होती है, रिवर्स लाइट अगर ओरिजिनल इसके अंदर बिल्ट इन नहीं है। तो बेसिकली फोर्कलिफ्टर जो है ये लिफ्टिंग डिवाइस है, हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी है, हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसके आगे दो फोर्क्स होते हैं, इसलिए उसको फोर्कलिफ्टर कहा जाता है। चार फोर्क्स वाले भी आते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किस साइज का अपने इक्विपमेंट या लोड लिफ्ट करना है। डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट लोड कैपेसिटी के साथ आते हैं, 2 टन, 3 टन, 5 टन, 10 टन, 20 टन, 50 टन, ये इसके डेड लोड्स होते हैं। और सेफ लोड लिमिट्स जो होती है यहाँ पे, इस पर मैंशन होती है, एक चार्ट होता है कि किस हाइट पे आप कितना लोड लिमिट कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, या सेफ वर्क लिमिट उसको कह लें SWL, वो भी मैंशन होती हैं। फैक्टर्स इस पर मैंशन होते हैं कि आपने 1/10 लेना है, 1/4 लेना है, 1/5 लेना है, कौन सा सेफ वर्क लिमिट लेना है। इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपका 10 टन्स का लिफ्टर है, तो इसका जो फैक्टर उन्होंने 1/4 लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 2.5, यानी 2.5 टन जो है इसकी सेव वर्क लिमिट होगी। तो ये एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्कलिफ्टर के इट्सेल्फ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना है इसकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, यानी जो फोर्कलिफ्टर, अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस इंडस्ट्री में ये यूज़ हो रहा है। अगर तो वे हाउसिंग और नॉर्मल जो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इन एवरी शिफ्ट आपने इसको इंस्पेक्शन को इंश्योर करना है। और इसकी इंस्पेक्शन में क्या कुछ आपने चेक करना है, मैं दोबारा बना देता हूँ, मैंने रब कर दिया। टायर्स की कंडीशन क्या है, कैसी है, इसके सॉलिड टायर्स होते हैं, ट्यूबलेस और सॉलिड टायर्स होते हैं, तो उनकी कंडीशन कैसी है। अगर टायर थोड़े से ख़राब होंगे तो टिल्ट करेगा, उलटने का खतरा होगा। इसके रिवर्स लाइट्स वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, रिवर्स सायरन वो भी वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, फ्रंट लाइट्स उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, ठीक है कि नहीं। इसका मस्ट जो होता है, MAST मास्ट कहते हैं वो, उसके हाइड्रोलिक्स में कोई इशू तो नहीं है। फोर्स जो है वो सही है, टिल्ट हो रहे हैं, दाएं बाएं मूव हो रहे हैं, जो एज पर देर हाइड्रोलिक इंडिकेशंस हैं, या फिर जो भी लीवर्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली सारे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देन इसकी सीट कंडीशन, सेफ्टी बेल्ट, इसके गेयर्स की कंडीशन वो कैसी है, स्पीड लिमिट्स इसमें इंस्टॉल्ड है कि नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसमें बाज़ करना स्पीड लिमिट्स को बाईपास किया जाता है। तो आपने लोड पिक किया होता है, आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पर जो भी आपने डिसाइड किया उसे बियॉन्ड चले जाते हैं, तो उसमें फिर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। डेड लोड जो है वो ठीक है, और इसके ऊपर जो क्या कहते हैं, इसके जो केज लगा हुआ है इसकी कंडीशन कैसी है। दोनों पास ऊपर से लोड गिरे तो केज जो है रस्टी तो नहीं है, वो टूट जाएगा और नीचे आके उस वर्कर या ड्राइवर को लगेगा जो ड्राइवर चला रहा है कि नहीं। तो इसकी ये मिनिमम कंडीशन है। इसके अलावा आपने इसकी लीकेजेस चेक करनी होती है, किसी किस्म की लीकेज तो नहीं है। इसके सॉलिड टायर होते हैं, लोड पिक किया होता है तो हल्की सी सरफेस ऐसे स्लिपरी मिलेगी तो ये स्लिप कर देगा। बैटरीज के पानी को, बैटरी कवर्स को, इन सारी चीज़ों को आपने एवरी शिफ्ट इंश्योर करना होता है। नंबर टू पॉइंट आ जाता है फिर आपने ना, इसके ड्रिल ऑपरेटर है, ऑपरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सेफ्टी पैरामीटर्स को इंश्योर करना होगा। जैसे कि जो शख्स चला रहा है क्या वो लाइसेंस्ड है कि नहीं है। एज पर पाकिस्तान लॉ HTV कैटेगरी में आता है हैवी मशीनरी का लाइसेंस और लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का लाइसेंस, तो फिर इसके बाद STV लाइसेंस होना चाहिए। बट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ऑपरेटर्स होंगे लिफ्टिंग, ये कहते हैं फोर्कलिफ्ट सेफ ऑपरेटर्स, जिनके पास STV लाइसेंस होगा। तो इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल, उनका स्किल लेवल, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितना है, किस हाइट पे उन्होंने काम किया हुआ है लोड लिफ्ट करके,
उनको इंटरनली ऑथराइज किया है इंडस्ट्री ने या फैक्ट्री ने या ऑर्गेनाइजेशन ने ऑपरेट करने के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं कि हर बंदा चला रहा है फिर रहा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई लिफ्टर। नंबर थर्ड पॉइंट पर हम आ जाते हैं, इसके ना की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट इसकी से मुराद है कि आमतौर पे देखा जाता है एक्सीडेंट्स की बहुत बड़ी वजह बनती है कि फोर्कलिफ्ट जब पार्क होते हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर या फिर ऑफ ड्यूटीज उनकी होती है, ऑफ टाइम होता है, तो इसकी चाबी अंदर ही छोड़ दी जाती है। तो ऐसे नहीं करना आपने। बेसिकली तरीका इसका ये है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एवरी शिफ्ट या एंडिंग ऑफ एवरी शिफ्ट हम कह लें कि जब ऑपरेटर आएगा वो शिफ्ट इंचार्ज को रिपोर्ट करेगा, शिफ्ट इंचार्ज एक की बॉक्स में से इसकी चाबी इसको हैंड ओवर करेगा और रजिस्टर पर लॉग बनेगा कि ये की जो है इसको इस वक्त हमने हैंड ओवर किया है। ऑपरेटर जाएगा फोर्कलिफ्ट की इंस्पेक्शन करेगा, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट उसको हैंड ओवर करेगा और उसके बाद उसको ऑपरेट करेगा। एट द एंड ऑफ द शिफ्ट उसकी क्लीनिंग करेगा, क्योंकि डेफिनेटली सारा दिन से ऑपरेट किया है, डस्टिंग वगैरह कुछ होगी, वो क्लीन करेगा, उसको डेजिग्नेटेड एरिया में पार्क करेगा और पार्किंग के बाद आके उसकी की जो है दोबारा हैंड ओवर करेगा शिफ्ट इंचार्ज को, ताकि उसकी की भी ट्रैक होती रहे। ऐसा नहीं कि चाबी बीच में रखी हुई छोड़ के चले गए और कौन आ रहा है कौन जा रहा है कौन चला रहा है पता ना चले। नंबर फोर, हमने अभी उसकी पार्किंग की चूंकि बात की है, ताजा ताजा जेन में है, तो मैंने कहा चलो फोर पे पार्किंग लेते हैं। पार्किंग इसका हमेशा डेजिग्नेटेड पॉइंट होना चाहिए और ये जब भी पार्क हो इसके फोर्क्स टुवर्ड्स वॉल हो, यानी द्वार के साथ इसका पार्किंग एरिया बना हुआ द्वार की तरफ हो, अगर ये टुवर्ड्स वॉकवे या अदर पॉइंट होगा तो किसी को ठोकर वगैरह लग सकती है। इस तरह फोर्क्स बिल्कुल नीचे नीचे की तरफ हो, ऐसे हवा में नहीं छोड़ देने आपने, तो बिल्कुल फ्लोर के पास हो, की उसकी रिमूव कर दी जाए और इसकी हैंड ब्रेक्स वगैरह अप्लाई की जाए, ऐसी सिक्योर जगह पर खड़ा हो गया किसी किस्म की हर्डल और हिंड्रेंस क्रिएट ना कर रहा हो। देन मूवमेंट, मूवमेंट डेफिनेटली इसको सिर्फ लाइसेंस्ड एंड ट्रेन्ड ऑपरेटर ही चलाएगा, इसके अलावा किसी को चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके पाथ्स को जो है आइडेंटिफाई किया जाए कि इसने किस रूट से जाना है किस रूट से आना है, प्रेफरेबली एंड आइडली इनके वेयर हाउस में या फिर इंडस्ट्री में जो भी जहाँ पे मूव कर रहे थे इक्विपमेंट्स, उनके इन और आउट के रूट सेपरेट होने चाहिए ताकि किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो सके। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर पेडेस्ट्रियन रूट्स और जो फोर्कलिफ्टर्स के रूट्स हैं ये टोटल सेपरेट हों ताकि किसी किस्म के पेडेस्ट्रियन से हिट ना करें। इससे जब सामने से लोड उठाया होता है तो मोस्टली या तो रिवर्स रैंक पे जा रहे होते हैं या फिर आगे नजर नहीं आ रहा होता, और इसको मूव जब कर रहे हो तो लोड हाइट पर रखा हो जो फोर्क्स हैं आपके 6 इंच फ्रॉम द ग्राउंड हो, ठीक है, आपके बिल्कुल ग्राउंड के पास हो और उसके ऊपर लोड हो। तो आपने इतना लोड हाइट इंक्रीज नहीं करनी कि आपका विजन ब्लॉक हो जाए, ये भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। और लोड जब भी आपने पिक करना है तो आपने इसको वो सेफ लोड लिमिट सेफ वर्क लिमिट उसको ख्याल में उसको जेहन में रखना है। देन आपने अगर पिक किया हुआ लोड हाइट पे तो आपने लिफ्टर रिमूव नहीं करना या फिर उसको जो है टर्न वगैरह राइट लेफ्ट दाएं बाएं रिवर्स कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और उसके उलटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन जब भी आप रिवर्स करें तो मेक श्योर कि आप रिवर्स आने चल रहा था कि बैक साइड को शख्स गुजर उसको नजर आ जाए पता चल जाए इसकी लाइट्स वर्क कर रही हैं इसका हॉर्न वर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को आपने बार बार चेक करते रहना और इंश्योर करना कि इस एक्सीडेंट ना हो इनकी खराब होने की वजह से। देन इसके कन्वेक्स मिरर्स वो एक बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। कन्वेक्स मिरर्स वो गोल से होते हैं जो मरीज की सड़कों पर जाए तो किनारों पर लगे होते हैं। इस तरह फोर्कलिफ्टर्स की बाज ना डेड एंड्स आ जाते हैं, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं इंडस्ट्री के अंदर जब मूव कर रहे हो, तो वहाँ पर कन्वेक्स मिरर्स जो है आपको बड़ा क्लियर कट दे देते हैं इंडिकेशन के यहाँ पे ये एरिया क्लियर है कि नहीं मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ टर्न करो या ना करो। तो बेसिकली ये शार्प या डेड एंड्स डेड टर्न्स या फिर ब्लाइंड टर्न्स के ऊपर लगे होते हैं, तो उसको भी आप जेहन में रखें। देन अगर आप वेयर हाउस में हैं या फिर किसी और इंडस्ट्री में हैं किसी और जगह पे हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ या बिल्डिंग पड़ी हुई है या पिलर्स जो हैं वहाँ पे आप कह लें जो उनकी प्रोटेक्शन, ये बड़ा हैवी और सॉलिड किस्म का होता है फोर्कलिफ्टर, तो इसकी हल्की सी टक्कर भी जो है बड़ा ज़्यादा मटीरियल डैमेज कॉज कर देती है।
तो जो पिलर्स हैं जिस जगह से वो गुजर रहे हैं और उनकी प्रोटेक्शन होना, उनके गार्डिंग होना बड़ा जरूरी है। और अगर कंक्रीट पिलर्स है तो उसके ऊपर सबसे आसान तरीका, देसी तरीका ये कि टायर्स, यूज टायर्स जो होती हैं लकड़ी के, वो हैंग कर दी जाए ताकि अगर उसको हिट करे तो वो पहले पिलर को डैमेज ना करें। अब 7 पॉइंट्स हमने इंस्पेक्शन की बात की, ऑपरेटर्स की बात की, मैनेजमेंट की, पार्किंग की, उसकी मूवमेंट के पार्ट में से क्विक रिव्यू किया, कन्वेक्स मीटर को देखा और उसकी, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन से मुराद हमने लिया कि जो इर्द गिर्द का मटीरियल उसको प्रोटेक्ट किया जाए उससे। देन कुछ कंपनीज के अंदर ना इसके इसमें जो है स्पीड लिमिट्स इंस्टॉल होती हैं और साथ में जो है वो स्क्रैच एनालिसिस करते हैं। नंबर ऑफ स्क्रैचेज ऑन द फोर्कलिफ्ट बॉडी मींस नंबर ऑफ नियर मिसेज और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। डेफिनेटली स्क्रैच खुद तो नहीं आएगा, किसी चीज को हिट किया होगा तो उसे वो स्क्रैच आया, तो वो स्क्रैचेस भी काउंट किया जा सकते हैं, उसे एक्सीडेंट एनालिसिस भी लिया जा सकता है। इसी तरह इसमें जर्क अलर्ट भी लगाया जा सकता है कि अगर खुदा ना खास्ता इसको जोर का जर्क लगे तो वो एक इंडिकेशन आ जाए और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ये भी इंस्टॉल हो सकता है फोर्कलिफ्ट्स के अंदर। देन जहाँ पे हाइट पे काम हो रहा है, मीन्स के किसी ऐसे वेयर हाउस में काम हो रहा है, नंबर 8 पॉइंट लिख देते हैं हम, कैमराज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रैक्स है, अब ये लिफ्टर ऑपरेटर ने इस रैक के अंदर जो है 1 2 3 4 5 5 अप के ऊपर जो है अपना ये स्टैक करना है लोड पैलेट, तो इसके लिए आइडली जरूरी है कि इसके फोर्क के पास जो है कैमरा लगा हो और उसकी कैमरे की स्क्रीन जो है नीचे विजिबल हो ऑपरेटिव सम, ताकि वो, क्योंकि ब्लाइंडली उसने वहां पे ऊपर रखना है एक अंदाजे से अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। जब उसे लोड हाइट पे लेके जाएगा तो कैमरा उसको बताता रहेगा कि यस वो जो है वर्टिकल बीम या फिर हॉरिजॉन्टल बीम जो है, ये अपराइट या फिर हॉरिजॉन्टल बीम जो है, इसको हिट तो नहीं कर रहा उसके ऊपर ही, और प्रॉपरली उस पर से स्टैक किया कि नहीं किया, तो कैमरा की प्रोविजन भी इसमें आ सकती है और आनी चाहिए। बाज़ जो है आप इसे इस तरह का इररेगुलर टाइप का लोड पिक करते हैं कि वो इसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा फैलाव फैल जाता है, जैसे कोई हैवी पाइप्स हो सकते हैं, कोई मशीनरी हो सकती है इस तरह की, तो उसके लिए फिर आपको हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेक श्योर जब ये इस तरह की लिफ्टिंग कर रहे हो तो वो एरिया टोटली इवैक्यूएटेड हो, बैरिकेडेड हो, या फिर उसके अंदर आपने परमिट्स लिए हैं कि यहाँ से नो मूवमेंट हो, वॉकवेज वहाँ के क्लोज हो और आपको हेल्पर गाइड करते रहे कि किस तरह मूव करना है। ये हमने क्विक ओवरव्यू किया फोर्कलिफ्ट सेफ्टी मैनेजमेंट का, तो आई होप ये क्विक ओवरव्यू आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।